डंडा पकड़ा हुआ है जनाब, डंडा पकड़ा हुआ है। आप डंडा ये किसी को मार भी सकते हैं, भी लेते हैं इनसे। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत ठीक है आपकी? कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह। अच्छा, क्या नाम है जनाब? हुक्म करें बॉस, हुक्म करें बॉस, हुक्म करें बॉस। नाम बता दें आप, माफी ना मारे। डंडा डंडा, मैं डंडे की बात, ये अभी तो आपने फेंक। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं सगियां पुल के ऊपर यानी कि मौजूद हूँ, और यहाँ पर हमें एक अनोखा ही यानी कि वो चीज़ देखने को मिली है ट्रैफिक वार्डन वाले की तरफ से, कि हाथ में इतना बड़ा जनाब डंडा पकड़ा हुआ है और ट्रैफिक का कंट्रोल किया जा रहा है। अब ये भाई भी जो है ट्रैफिक का कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो साहब जो है हाथ में डंडा पकड़ के और पूरे मौला बख्श बने हुए हैं। और अभी उनसे बात करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि जनाब ये CTO साहब ने कहा हुआ है आपको कि आप हाथ में डंडा पकड़ लें और आप लोगों को मारना शुरू कर दें, लोगों की जो रेड़ियां लगी हुई हैं उनको उखाड़ना शुरू कर दें। और अभी वो आगे चले गए हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उनसे बात करूं। अभी आगे चले गए हैं वो, और जैसे ही उनसे बात होती है और उनसे बात जैसे ही होती है और बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। भाई ये खड़े हुए हैं, ये सामने खड़े हुए हैं, ये दिखाओ जी, ये दिखाओ, ये दिखाएं जी, ये डंडा पकड़ा हुआ है जनाब, डंडा पकड़ा हुआ है। आप डंडा ये किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन अभी बात कर लेते हैं इनसे और बात करके जान भी लेते हैं इनसे। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत ठीक है आपकी? कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह। अच्छा, क्या नाम है जनाब? हुक्म करें बॉस। नाम बता दें आप, माफी ना मारे भाई, हैं डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है। नाम बता दें अपना। अच्छा, एक सवाल एक ये था कि डंडा पकड़ के CTO साहब ने तो कभी भी यानी कि डंडे के लिए नहीं कहा गया पीछे, ये देखे ना गर्मी इतनी है किसी के सर पे भी लग सकता है। आप जैसे लोगों को मार रहे हैं डंडा, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना? ये तो कॉर्पोरेशन वालों को ये सारी इंक्रोचमेंट है, कर लेते हैं ये बुरी बात। डंडा डंडा, मैं डंडे की बात, ये अभी तो आपने फेंक दिया है, लेकिन ये किसी के सर पे भी लग सकता है। अभी आपने फेंक दिया है तो पहले आप डंडा पकड़ के, ये देखें जी ये डंडा पकड़ा हुआ था साहब ने, और ये गरीब रेड़ी वालों को मार रहे हैं आगे अड़ी डंडे के साथ, ये इनकी रेड़ियाँ उखाड़ रहे हैं, ये सारी इंक्रोचमेंट है। यानी कि ये जब कोई लॉ एंड ऑर्डर आता है तब ये जाग जाते हैं, उससे पहले ये सोए होते हैं, AC के साथ AC लगाया था, गाड़ियों में बैठे होते बड़े मज़े से, और उसके बाद ये डंडा जो है इनके हाथ में था ये भाई साहब के, और ये डंडे के साथ लोगों को मार रहे थे। अभी इनसे मैं बात करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ कि जनाब CTO साहब कहते हैं आप कोई डंडे पकड़े हैं, आप तो जनाब ट्रैफिक वार्डन हैं, आपने तो अपने हाथ से जो है यानी कि ट्रैफिक का कंट्रोल करना है। अभी ये भी हमारे मुहाफिज़ हैं, ये देखें कितने अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। और इनसे बात कर लेते हैं, अमजद अली साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं आप? सेहत ठीक है? अच्छा अमजद साहब, ये बताएं कि डंडा हाथ में पकड़ना ये अच्छी बात तो नहीं है? पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं जिसने पकड़ा उससे बात नहीं, वो तो हमारे पास रिकॉर्डेड है, सिर्फ आप बता दें जरा। CTO साहब कहते हैं डंडा पकड़ लें, आप डंडा पकड़ के लोगों को मार रहे हैं, बताएं जरा कि कह रहे हो? कुछ नहीं सर। कुछ कह रहे जी? बताओ, दसो की दसना? नहीं, तुसी कह रहे डंडे ना चल देने सारे? नहीं, कुछ कह रहे सी ना? नहीं, मैं की कहया? कह रहे डंडे ना चल देने सारे, ते मैं इना दी गल करदा वे डंडे ना चल देने जेड़े खलोदे ने। तुसी क्यों खड़े हो अभी? तुसी डंडे ना डंडा मार के दे फिर साइड ते डंडा मार रहे ने? हां जी, ये हालात हैं जी, सारे डंडे चल देने जी। लेकिन डंडा गर्मी है, किसी के सर पे भी लग सकता है? नहीं लग सकता, ये सब ऐसे चलते हैं, किसी के आखे कहने पहने कहते हैं। चलें, अभी वो जनाब इधर से निकल गए हैं, यहाँ पर खड़े थे और डंडा उनके हाथ में था और पूरे यहाँ पर मौला बख्श बने हुए थे और डंडे के साथ ट्रैफिक की रवानगी को यानी कि वो लोगों को डंडे मार रहे थे। लेकिन ये तो लम्हा फिक्री है, डंडे वाली बात जो है ये गलत है, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज़ हैं और हमारे लिए सड़कों पर होते हैं, और ये ना धूप देखते हैं, ना छाँव, ना आंधी, ना तूफान, लेकिन अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज़ हैं और डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत ठीक है? क्या नाम मेरे प्यारे भाई का? तारिक हुसैन। अच्छा तारिक भाई, ड्यूटी हो रही है माशाल्लाह। जी जी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप अच्छे तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये बता दें कि CTO साहब कहते हैं डंडा पकड़ के आप लोगों को जो है यानी कि वो मारे हैं, और किसी ने नहीं कहा डंडे का, ना डंडे से किसी ने मारा है, ये डंडा उनके हाथ में था ना, वो जो साहब वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, वो तो फुटेज हमारे पास, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा।
लेकिन ये डंडा गलत चीज नहीं है, बता दें भाई। मैंने देखा ही नहीं डंडा, वैसे बता दें कि डंडा पकड़ के कुछ लोग डंडे के बगैर आगे चलते भी नहीं है। सीटीओ साहब कहते हैं, सीटीओ साहब कहते हैं डंडा नहीं कहता कोई भी नहीं, डंडा जो है गलत नहीं है। वैसे मैं कह रहा हूँ मैंने देखा ही नहीं, आपके हाथ में देखा मैंने। नहीं मेरे, मैंने तो पकड़ा उनके, फेंक के तो चले गए जनाब। आपके हाथ में देखा है, उन्होंने फेंक गया तो वो चले गए। यहाँ पे जब आप आए सारा रोड ब्लॉक था, लेकिन आप देखे ना गर्मी इतनी ज्यादा है, ये किसी के सर पे लग सकता है, खुदा ना खास्ता उसकी जान भी जा सकती है। मैंने आपके हाथ में देखा है सिर्फ, मेरे हाथ में देखा है जी। ये देखें जी नाज़रीन, इन्होंने तो मेरे हाथ में देखा है, लेकिन आप फुटेज में देख लें कि डंडा किसके हाथ में था, आप फुटेज में देख लें कि डंडा किसके हाथ में था। और वो जो यानी के वार्डन वाले थे भाई, वो तो यहाँ से निकल गए, यहाँ पर नहीं है वो, पहले कुछ देर पहले यहाँ पर ही थे और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और वहाँ पर जनाब के डंडों के साथ लोगों को मार रहे थे, लोगों को डंडे के साथ मार रहे थे। लेकिन जी गाड़ियों पर भी रिक्शों पर भी मारे हैं लोग, गलत चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ट्रैफिक वार्डन आप अपने हैंड से सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी को हाँ जी जारी रख सकते हैं, गलत बात के साथ मारना ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि कानून इन्होंने खुद हाथ में लिया है। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, ये हम आपको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक दिखा रहे थे और दिखा रहे थे कि किस तरीके से ट्रैफिक वार्डन वाले जो भाई हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और डंडा उनके हाथ में था, और वो पूरे यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर वो मौला बख्श बने हुए थे, डंडा हाथ के अंदर पकड़ के यहाँ पर लोगों को मार रहे थे, गाड़ियों के ऊपर मार रहे थे। लेकिन हम उनके पास आए हैं और बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो चले गए हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया सीडीओ साहब, कम अज़ कम आप हमारे मुहाफिज़ हैं, आप डिसिप्लिन फोर्स का एक बहुत बड़े अहदेदार हैं, लेकिन जो आपके जवान और जो हमारे मुहाफिज़ हैं उनके लिए चेक इन बैलेंस रखें कि ये डंडा जो है ये नहीं होना चाहिए। किसी के पास पिस्टल होता है, किसी के पास डंडा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ड्यूटी जो अपनी धूप में खड़ी होकर करनी होती है, टम्परेचर इतना ज़्यादा है, गर्मी के अंदर आके जज्बात के अंदर गुस्से के अंदर आके ये कुछ भी हो सकता है, तो किसी की जान भी जा सकती है, किसी के सर में लगने से उसका सर भी बढ़ सकता है। तो खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें, इस चीज़ का एक्शन लें। तो नाज़रीन ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, और ये अपनी फोर्स को बदनाम करना नहीं था, क्योंकि ये हमारा फ़ख्र है और ये हमारे लिए सड़कों पर हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखाना ये था कि डंडा ये हाथ में था, ये नहीं होना चाहिए था। तो नाज़रीन ये वीडियोस आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए 1 पॉइंट।